हो सकता है, मतांतर हो सकता है। मतांतर के बाद क्या होगा, अगला सोपान होगा, या तो वही मतांतर को एक दूसरे की बात कहना सुनना, क्या कहना है क्या सुनना है, बिना कहे सुने कई बार आगे गाड़ी चल पड़ती है और कई बार नहीं चल पाती, वही गतिरोध हो जाता है। गतिरोध के भी अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, माने गतिरोध ये हो सकता है कि हम एक दूसरे का अब चेहरा हमें देखना मुमकिन नहीं है। ये तो चल सकता है जहां आप दोनों लोग एक एक अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे ऐसा करना समटाइम्स बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और ये एक बहुत विषम उग्र संघर्ष का रूप ले लेता है। इस संघर्ष को यदि आप और बड़े लेवल पर देखिए तो एक युद्ध की स्थिति भी हो सकती है, एक देश का दूसरे देश पर सॉवरेनिटी की बात हो। हमारा देखिए कश्मीर बॉर्डर को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, वहां चीनियों का एक रहता है, तो हर कोई अपना अपना, चाहे बचपन हो बड़ा हो या कोई देश का नेता प्रनेता हो, लेकिन विवाद के बहुत सारे रूप होते हैं। और विवाद को अभी तक देखिए हम लोग इतने सारे हथियारों से लैस हो चुके हैं कि सब एक दूसरे की क्षमताएं जानते हैं, और यदि उस क्षमता का उपयोग करते हुए हम समझते हैं कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर वॉरफेयर है कि हम दूसरे को ध्वस्त कर दें, दूसरे के पास भी उतना ही है, लेकिन कौन इसमें प्रभावित होता है, कोई अपनी बात नहीं सुनता, तो आम जनता आम मुल्क प्रभावित होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक मध्यस्थता में क्या हुआ था, तीन चार भाई बहन थे, कम उम्र में ही माता पिता का इंतकाल हो गया था, और ये पूरा एक भार पड़ा था सबसे बड़ी बेटी के ऊपर। सबसे बड़ी बेटी ने सब भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपना छोटा मोटा रोजगार करती थी, और बहुत अच्छा सा, बहुत माने आदर्श परिवार था, सब देखते थे उनकी ओर कि देखिए कितनी अच्छी है इनकी बड़ी बहन, कितनी अच्छी है, इन्होंने सबको संभाल लिया। बाकी भाई बहन भी इतनी ही इज्जत करते थे, सब ठीक चल रहा था, जब एक ऐसा लम्हा आया जब कांता बहन, हम उनका नाम ऐसा काल्पनिक है, सो उनके जो एक छोटे भाई के बच्चे की शादी थी, इतना समय गुजर गया था, देखिए सब कोई अपने अपने घर परिवार पे आ गए, लेकिन रहते सब एक ही घर में थे, तो जब उस बच्चे की शादी थी, उस शादी की रस्म को लेकर, सी देखिए जब शादियां होती हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपने कौम के भी दूसरे कौम के भी, मोहल्ले पड़ोसी भी रहते हैं, बहुत सारे बार ऐसा भी रहता है कि छोटी सी बात बहुत बुरी लग जाती, खास करके कोई जब उसको दूसरे रूप में प्रकट करे, तो किसी ने कांता बहन को कहा, देखिए आपने इतना कुछ किया इस परिवार के लिए, और आज आपकी अनुपस्थिति में आप क्या, आप कुछ तैयारी कर रहे थे दूसरे कार्यक्रम का, जब तक इन्होंने आपसे पूछा भी नहीं, खाना वाना भी बट गया, सब खाना खा रहे, देखो ढोलक मंजीरे वहां बज रहे हैं, पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा आपसे, कांता भाई को बात चुप गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि हाँ सब कोई बैठ के बात कर रहे, किसी ने पूछा नहीं, और हो गई शाम, हो गई शाम तक, तो कांता भाई का पारा चढ़ गया एकदम, उन्होंने रात में रोटी नहीं खाई। भाइयों ने पूछा, भाई बहन क्यों नहीं खा रही हो, तो उन्होंने कहा नहीं सर दर्द है, ये वो करके बहाना कर दिया, लेकिन दूसरे दिन जाके उन्होंने कोर्ट में दरखास्त लगा दी। क्या उन्होंने रातों रात में पिटीशन वटीशन बनवाया, क्योंकि कांता बहन शुरू से अपना काम देख रेख कर लेती थी, तो उन्होंने एक एडवोकेट से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि मुझे अपना हिस्सा प्रॉपर्टी का चाहिए, ये घर में जितना लगा है मेरा ही है, सबको बाहर करो, और मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मकान के बंटवारा करो, हमारे जो वालिद साहब हैं जो छोड़ गए हैं वो महत्वपूर्ण हिस्सा मेरे को, और जो मैंने कुछ कमा है, कुछ स्वार्जित भी था उनका। तो जब ये मैटर वहां पहुंचा तो भाइयों को तो पहले बहुत ठेस पहुंची, उनको लगा कि पता नहीं क्या हुआ, कई बार समझ ही नहीं पड़ा कि किस बात से नाराजगी थी, खैर एनीवे बिकॉज दावा था तो जवाब दावा भी आया, मैटर चलता रहा, कुछ समय तक चला, इस बीच में अलग तो नहीं हुए थे लेकिन उनका एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं हुआ। फिर जब मैटर रेफर हुआ था मीडिएशन, ये वास्तव में सही गलत नाम काल्पनिक है, लेकिन ये रेफर हुआ था मीडिएशन में,
मीडिएशन का वो अवसर था, एक पेशी के बाद जब दूसरी पेशी में एक दूसरे को अलग अलग सुना, क्या मध्यस्थता में एक साथ और एक अलग अलग सुनने का भी अवसर रहता है, सब पूरी बात गोपनीय रहती है। तो जब अलग अलग सुना तो ये मालूम हुआ कि कांता बहन को अपने भाइयों से तो बेहद प्रेम था, भाइयों को भी उतनी ही आस्था बहन पर थी, लेकिन एक छोटी सी बात उनके दिल में चुभने लगी थी और उनको सिंपली ये चाहिए था। तो अल्टीमेटली जब पूछा गया आप क्या चाहते हैं, सिर्फ एक छोटा माफीनामा। जब ये बात सामने आई और दोनों भाई बहन सब मिलकर एक दूसरे से जब इन्होंने माफी कही तो बहुत हृदय विदारक दृश्य था। कांता बहन ने पूरा झगड़ा विवाद फसाद कोई भी जो भी जड़ थी सब खत्म हुआ, उन्होंने सभी जाके सबके सामने उनसे माफी भी कही और मैटर निपट गया। अब यदि कोर्ट में यह मैटर चलता तो परवेज खान जी आप बताएंगे कि लगभग कितना समय लग सकता था? परवेज जी अपने आप को अनम्यूट करो, जब तक बाकी जब तक वार्तालाप होती है आप लोग म्यूट रखे। परवेज जी बताओ, और इसका क्या परिणाम हो सकता था? उन्होंने अपने हिस्सा प्रॉपर्टी मांगा था, लगभग कितना समय लगता और क्या इसका नतीजा क्या होता, बताएं जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैम इस मसले में बहुत टाइम लगता, 10 से 15 साल भी लग सकता था। और स्थिति काफी बार दोनों के बीच तो था और आखिरी में स्थिति बनती कि एक दूसरे चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते और विवाद बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बंटवारे का मामला था। हिस्सा बांट की जब बात आए तो बहुत झगड़े होते हैं और कई बार स्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि कई बार बड़ी गंभीर घटनाएं भी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो समय, रिश्तों में दरार, संपत्ति का विभाजन, ये तो एक प्राकृतिक उत्पत्ति होती है एक लिटिगेशन से। हम ये नहीं कह रहे लिटिगेशन बुरा है, लिटिगेशन कुछ मामलों में सबसे सटीक और एकमात्र उपाय रहता है, लेकिन जहां रिश्तों की बात होती है तब मध्यस्थता एक अवसर देता है कि सब एक दूसरे को एक साथ और अलग अलग सुने। वो जो सुनने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि आपने जो भी बात कही है वो कॉन्फिडेंशियलिटी एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग में नहीं ली जा सकती, इसलिए अपने अपनी बात सब खुलकर बताते हैं। बात खुलकर बताते हैं तो भले देखिए, ये ध्यान रखिए मध्यस्थता में नतीजा पक्षकारों के हाथ में है, प्रक्रिया को सिर्फ संधारित कौन करता है, मध्यस्थ, और उसके परिणाम स्वरूप कई बार नतीजा एक एग्रीमेंट भी निकलता है, कई बार नहीं निकलता तो भी कम से कम जिस पक्षकार के लिए ये पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसको तो अपनी बात कहने सुनने को मिलती है, अन्यथा क्या होता है। बेशक मैम, हमारे साथ बहुत सारे वकील भाई भी जुड़े हैं, उनको मालूम है कि जो प्रक्रिया होती है उसमें अल्टीमेटली बोलता कौन है, एडवोकेट उनकी बात रखता है, एडवोकेट उनको उनका प्रतिनिधित्व करता है, उसको कानूनी जामा पहनाता हर बात को लेकर, और उस कानूनी जामा के अंतर्गत इस संपत्ति का विभाजन तो होता ही, लेकिन रिश्तों का क्या करो। रिश्ते जहां पर भी इन्वॉल्व होते वहां मध्यस्थता श्रेष्ठ का उपाय है, और इस प्रकार बहुत अच्छे से परवेज जी ने बताया। जी मैम, कुछ बोलना है क्या मोहम्मद शरीफ जी का? कुछ आवाज आ रही थी। ओके, नाउ ये दिस इज वन वेरी स्मॉल एग्जांपल, लेकिन ये बताना चाह रहे थे हम कि मीडिएशन किन मैटर्स में ठीक रहता है। दैट इज एक तो जैसे मीडिएशन जहां पर भी रिश्ते होते हैं, हो सकता है पड़ोसियों का रिश्ता हो, कई बार कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है उसमें भी हो सकता है, और डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी और बाकी जितने रिश्ते होते हैं उसमें हो सकता है। छोटे मोटे जो आपराधिक विवाद होते हैं, छोटे जो शमनीय अपराध होते हैं जिनका शमन हो सकता है, वो भी मध्यस्थता के जरिए निपटाए जा सकते हैं। हम लोग इस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं कि जैसे ही मामला दर्ज होने की अवस्था पे आता है तो पुलिस पहले
उसको एक मध्यस्था की मोड़ पर ले आए। मीडिएशन और कंसीलिएशन में एक बहुत बुनियादी फर्क है, कोई बताएंगे क्या? माने सुलह और मध्यस्थता दोनों में फर्क है, और मध्यस्थतम तीनों चीज में फर्क। मध्यस्थतम तो वो एडजुडिकेशन होता है जो एक आर्बिट्रेटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार लिखा रहता है कि यदि कोई विवाद होगा तो मध्यस्थतम के जरिए इसको निपटाया जाएगा। सुलह में क्या होता है, शेख मोहम्मद जी बताएंगे कुछ? शेख महमूद जी, सुलह के लिए आपके लिए कोई मामला भेजा गया, आप क्या करोगे सुलह वार्ता के अंतर्गत? लेट मी आस्क सम एडवोकेट, एडवोकेट शेख साहब, शेख पूरा नाम नहीं आ रहा है, मंसूरी, शेख मंजूर साहब। हेलो, यस यस, शेख मैडम। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, सुलह में जो है कि हम और दोनों पार्टी को बिठाल के आपस में बैठाल के उनको समझौता कराएंगे, जिससे उनका जो आपस की जो रंजिश है उसको दूर किया जा सके। जब रंजिश दूर हो जाएगी तो सुलह हो जाएगी। अच्छा, आप उसमें क्या करेंगे? मैंने एक दूसरे को सुना, एक तो सुनोगे फिर क्या करोगे? भाई जिसको समझाइश दी जा सकती है कि भाई आप ऐसा मत करें, जो आपने गलती की है इस गलती को अपनी मान लें, जो दूसरा है उसको, जिसने जो गलती नहीं की है वो उसको तो गुस्सा रहेगा उस बात का, तो जब उसके दिल से गुस्सा निकल जाएगा तो दोनों में आपस में सुलह हो जाएगी। ये तो हुई सुलह, ठीक है। मध्यस्थ अगर आप सुलह करता है जब आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसी मामले में आपको अगर सुलह करता के लिए नहीं, आपको मध्यस्थता के लिए भेजा गया, तब क्या करिएगा? मैडम पहले तो ये देखना पड़ेगा उसमें विषय किस बात को लेके मध्यस्थता करना है। मध्यस्थता के लिए दोनों पार्टी को बुलाना पड़ेगा, उनकी दोनों की अलग अलग बात सुनना पड़ेगी, फिर दोनों को आमने सामने बिठाल के दोनों के बीच में जो मतभेद हैं उनको सुलझाया जाएगा। कैसे सुलझाइएगा सर, कैसे सुलझाओगे? दोनों को समझाइश देकर। देखिए ये यहाँ फर्क है जी, दोनों को सुनना करना ये सब ठीक है जी, लेकिन मध्यस्थता में कोई समझाइश नहीं देते हैं जी। अब महत्वपूर्ण बात है कि बिना समझाइश दे है, कैसे होगा जी, कैसे होगा? नहीं बिना समझाइश के तो हो नहीं सकता मैडम। होगा, यही तो मध्यस्थता की पूरी ट्रेनिंग है जी। जी जी बताइए मैडम। ये एक शब्द में नहीं बताया जा सकता, जो भी जैसे किसी ने कुछ वाक्य कहा जी, ठीक है, उसको रिक्रिएट, उसको रिफॉर्म करते हैं, ऑप्शन जेनरेट करने के लिए पक्षकारों को ही प्रेरित करते हैं। आपने देखा है ना, पौधा खाना कैसे बनाता है अपना, हरा पौधा जो है अपना खुद का खाना बना लेता है जी, बनाता है ना हरा पौधा, बिल्कुल। उसमें यदि उस हरे पौधे को आप 10 दिन तक कमरे में बंद रखो, काल कोठरी में जी, तो उसका कैसा, उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? उसको हवा धूप और ये तो चाहिए। नहीं, उसको हवा मिल रही है, धूप नहीं मिल पा रही है जी, तो मुरझा जाएगा। हाँ मुरझा जाएगा वो। किस चीज की कमी थी कि मुरझा गया वो? ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन भी है, भरपूर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपने लगा दिया, तो धूप धूप चाहिए उसको, धूप चाहिए जी। अब आप उसकी प्रक्रिया देखिए, केमिकल रिएक्शन अगर देखो जी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलकर बनाते हैं तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन निकलता है जी। लेकिन सूरज की क्या भूमिका है उसमें? सूरज का तो कहीं किसी से कोई रिएक्शन नहीं हो, लेकिन सूरज फिर भी कैटलिस्ट है, बिना सूरज के वो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। मध्यस्थता कुछ वैसा ही है जी, उसमें बिना किसी पक्षकार से आप रिएक्ट करें, बिना उसके समझाइश दिए आप, लेकिन उत्प्रेरक रहोगे और उससे बस एक कुछ नया निकालोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का स्वरूप अलग है, पानी का स्वरूप अलग है, लेकिन
जो बनता है अल्टीमेट प्रोडक्ट वो ना CO2 है ना H2O है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो उससे ज्यादा विकसित और अच्छा फायदे लाभकारक, और ऑक्सीजन जिससे पूरा दुनिया का संचालन होता है। सूरज कुछ ऐसे ही है, सूरज ने एक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसका उत्प्रेरक है, पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक है। तो संक्षेप में कॉन्फ्लिक्ट भी समझने से पहले हम लोग ये जाने कि मीडिएशन दो भिन्न पक्षों के बीच में, दो या दो से अधिक, जनरली बहुत सारे नहीं लेते क्योंकि फिर हर एक का अपना अपना मत बहुत सारे हो जाते हैं जी जी। एक सकारात्मक नतीजा जिसमें एक तृतीय पक्ष, और वो जो तृतीय पक्ष होता है न्यूट्रल रहता है, निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उन्हें नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन के सोफिस्टिकेटेड तकनीक के द्वारा उनको एक नए नतीजे जो दोनों के लिए एमिकेबल है, जो दोनों के लिए लाभकारी है, ऐसा सेटलमेंट की ओर ले जाता है।